राष्ट्रीय राजमार्ग 80 शिवनारायणपुर कहलगांव के मुख्य मार्ग में एक ट्रैक्टर जो सामना से लदी थी वो पलट गई। ट्रैक्टर जहां पलटी है प्रतीत होता है कि गाड़ी तेज गति में होगी, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया होगा। ब्रेक मारने पर गाड़ी की धुरी टूट गई, जिससे सड़क पर तेज दाग हो गई है। गाड़ी के पलटने से हताहत नहीं हुई है, लेकिन गाड़ी गड्ढे में गिर गई है। कहलगांव से परशुराम शर्मा की रिपोर्ट। कहलगांव प्रखंड के बुधुचक में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका चौथा मैच गोकुल मथुरा और मानिकपुर के बीच खेला गया। खेल प्रारंभ होने के बाद मानिकपुर ने प्रथम हाफ के 17वें मिनट में एक गोल किए, वही दूसरे हाफ तक में कोई भी टीम ने गोल नहीं किए। इस तरह मानिकपुर ने यह मैच एक गोल से जीत लिया। मैच के निर्णायक की भूमिका में शोभा कांत मंडल थे, लायंस मैन किशुन साह, घनश्याम पासवान, संजय श्रवण थे। गोल जज भारत भूषण, अरविंद मंडल, संजय पद्माकर, देवोत्तम थे। मैच का संचालन निखिल रंजन, स्कोर सुनील रहे। और सुन लो प्रयास, जो कि सेंटर के खिलाड़ी है, जो आगे बढ़कर दबाता है, मैं मैच मारने का विषय लाया है। आने से कुछ से गलती हुई। नया नगर रानी दियारा में नौनिहाल क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच का चौथा लीग मैच कहलगांव और भागलपुर के बीच खेला गया, जिसमें कि कहलगांव की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं बल्लेबाजी करने आए भागलपुर टीम ने 16 ओवर में 4 विकेट खोकर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में उतरी कहलगांव की टीम, महज 72 रन बना पाई। इस तरह भागलपुर ने यह मैच 118 रनों से जीत लिया। मैच का मैन ऑफ द मैच अमित को दिया गया, जिसने 6 विकेट और 15 रन बनाए। मैच के निर्णायक आशीष, सुबोध, स्कोर सुमन और छोटू और कमेंटेटर मुकेश दिलीप रहे। शारदा पाठशाला खेल मैदान कहलगांव में चल रहे ग्राम पंचायत कप क्रिकेट टूर्नामेंट, जो नव भारत क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित की जा रही है, का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच किशनदासपुर पंचायत और नगर पंचायत कहलगांव के वार्ड नंबर 10 के बीच खेला गया। टास नगर पंचायत कहलगांव वार्ड नंबर 10 ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 14 ओवरों के खेल में वार्ड नंबर 10 की टीम ने 13 ओवर में ही 96 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में खेलने उतरी किशनदासपुर की टीम ने 7 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए। किशनदासपुर पंचायत यह मैच 8 विकेट से जीता तथा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। अंपायरिंग की भूमिका में नितिन कुमार एवं मधुकर सिंह थे। मैच संचालन प्रवीण कुमार राणा के द्वारा किया गया एवं कमेंट्री रियन कुमार आर्य के द्वारा की गई। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किशनदासपुर पंचायत के खिलाड़ी अमरकांत को दिया गया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए तथा 22 रनों का योगदान दिया। ओह माय गॉड, बेहतरीन पैराशूट छक्का। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।